हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आए हुए हैं तिरुपति बालाजी और आज आपको मैं तिरुपति बालाजी के बस स्टॉप से लेकर तिरुपति बालाजी के मंदिर तक कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कितना टिकट कटेगा, कहाँ चेकिंग होगी और उसके बाद में आपको कैसे दर्शन होंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं हूँ परमेश्वर योगी और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा से और ये है तिरुपति एक्सप्रेस और इसमें हमारा 3 टियर में रजिस्ट्रेशन करा रखा है जो हमने लगभग 20 दिन पहले करवाया था। तो हमें रजिस्ट्रेशन मिल गया और रजिस्ट्रेशन में स्लीपर मिला। तो अंदर चलते हैं, देखें कैसी व्यवस्था है, मैं आपको बताता हूँ ट्रेन का और सफ़र का शॉर्ट में बताते हुए आपको मैं पूरी जानकारी बताऊंगा। ये ट्रेन में सीटिंग और स्लीपर की व्यवस्था है और ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये 3 टियर एसी बोगी का वीडियो है। इसमें हमारा नीचे का आमने सामने का दोनों स्लीपर रिजर्व किया हुआ है और पास में ही दोनों साइड में चार्जिंग के प्लग हैं और ऊपर वाली तरफ ये पीछे की साइड में देखिए ये पैसेंजर वगैरह बैठे हुए हैं। तिरुपति रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद हमको तिरुपति बस स्टॉप पर जाना था तो उसके लिए हमने रिक्शा किया और फिर निकल पड़े तिरुपति बस स्टॉप की ओर। और ये जैसे ही बस स्टॉप पहुँचे पर यहाँ पर सभी तरह बाहर से आई हुई पैसेंजर यात्रियों को लेकर गाड़ियाँ खड़ी हैं। यहाँ से हमको एसटी बस पकड़ के तिरुपति मंदिर ऊपर जाना है। हिंदी 9:30 बजे तिरुपति। ओके, अभी बस कंडक्टर साहब ने हमें 9:30 बजे का टाइम बताया कि 9:30 बजे आप ऊपर तिरुमाला पहुंच जाओगे। और ये हमारे साथ में हमारे बालू वासु जी और ये मेरे मित्र दिनेश जी योगी, हम सभी साथ में सफ़र कर रहे हैं और आप भी यात्रा का आनंद लें। आज यहाँ तिरुपति में पहुँचते पहुँचते हल्की हल्की ठंडी का एहसास होने लगा है तो हमने भी शॉल चादर और जैकेट वगैरह पहन रखा है। अब कुछ ही देर में तिरुमाला ऊपर जाने के लिए टोल प्लाजा वे चेकिंग पोस्ट ये आ गया आपके सामने। तो यहाँ पर सभी यात्रियों को अपने बस से नीचे उतारा जाता है और जितने भी उनके पास बैग सामग्री वगैरह है उनको चेक करके स्कैन करके और उसके बाद में टिकट वगैरह कन्फर्म होता है उसको चेक करके उसके बाद में आपको यहाँ से आगे जाना दिया जाएगा। एक बात मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जो नीचे का भाग है जहाँ लोग रहते हैं उसे तिरुपति कहते हैं और यहाँ से 13 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई के ऊपर पठार के ऊपर जो जगह है उसे तिरुमाला कहते हैं। तो सभी यात्री अपना सामान वगैरह चेक करा के बस में दोबारा बैठ रहे हैं और ये चेक पोस्ट तिरुमाला चढ़ने से पहले आ जाती है। अब चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। चेक पोस्ट से आगे निकलते ही प्रथम सर्कल पर गरुड़ अवतार में विशाल प्रतिमा लगी हुई है जिसे देखकर बहुत ही सुंदर दृश्य का अनुभव हो रहा है। और ये सर्वप्रथम टोल प्लाजा के बाद में स्वागत द्वार है जहां पर भगवान के चतुर्भुज अवतार के दर्शन के लाभ मिलने को प्राप्त हुए। और अब आगे चलिए मेरे साथ। ये पीछे के बड़े बड़े पेड़ों के बीच जो पठार दिख रहा है, जो पहाड़ी दिख रही है, उसके ऊपर हमको 13 किलोमीटर की दूरी तय करके वहाँ पर पहुँचना है। तो चलिए यात्रा का सफ़र का आनंद लें और दोनों साइड में मनमोहक गार्डन, बाग बगीचे और बहुत ही सुंदर नज़ारे दृश्य के साथ चलिए ऊपर चलते हैं तिरुमाला। हम पहुंच चुके हैं तिरुमाला ऊपर और कुछ ही समय में हम पहुंचने वाले हैं। तो ये है ऊपर का सर्वप्रथम बस स्टॉप से बाहर निकलने के बाद में नज़ारा। तो हम बस से उतर चुके हैं और सड़क पर आने जाने वाले यात्रियों को आप देखिए
जो तिरुपति बालाजी के दर्शन करके आया है, उन्होंने अपना सिर मुंडवा रखा है, जिनमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, पुरुष भी हैं, और कुछ यात्री बिना सिर मुंडाए भी वापस घर की ओर लौट रहे हैं। इसमें कोई अनिवार्य नहीं है, आपकी श्रद्धा है, आपकी इच्छा हो तो अपना सिर मुंडन करवाए या नहीं करवाए, वो आपकी इच्छा है, आपके ऊपर है। तो देखिए यहाँ पर हाट बाज़ार लगा हुआ है और लोग तरह तरह की खरीदारी कर रहे हैं। ये देखिए कहीं झूमर, कहीं लटकन, कहीं लाइटिंग, मालाएं, सब तरह की कंगन वगैरह, मूर्तियों, तस्वीर, फोटो वगैरह, फ्रेम, सब तरह की छोटी छोटी शॉप्स यहाँ अवेलेबल है। और इसके अलावा भी अब आगे चलते हैं तो यहाँ ये देखिए, यहाँ पर ऊपर पहुँचने के बाद 15 किलोमीटर के एरिया में घूमने के लिए ट्रस्ट की तरफ से एक फ्री बस चलाई जाती है, जिसका आपने भी वीडियो देखा, जो सभी यात्रियों के लिए एक समान फ्री सेवा के लिए है। कोई सी भी बस में बैठो, कहीं पर भी उतरो, कोई दिक्कत नहीं, आप आ जा सकते हैं। ये बना हुआ है श्री राम स्तूप, जहाँ पर भगवान श्री राम की आराधना से हम यहाँ के ऊपर की यात्रा संपूर्ण करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। श्री राम स्तूप दर्शन के बाद सर्कल पर भगवान श्री तिरुपति बालाजी की प्रतिमा के हम सर्वप्रथम दर्शन करेंगे। और ये मुख्य सर्कल पर बनी हुई पीछे गार्डन की थीम के ऊपर बीच में भगवान श्री तिरुपति बालाजी के दर्शन के लाभ लें, ये एक सर्कल पर बनी हुई है। अब यहाँ से आगे हमें टिकट जहाँ से बुक करवा रखा था उसके लिए कंफर्मेशन के लिए यहाँ की फ्री बस सर्विस का हम भी आनंद लेते हैं, देखें क्या सुविधा है और कैसे यात्रा रहती है। तो हम भी इस बस में चढ़ रहे हैं, तो अब इस फ्री जनसेवा जो ट्रस्ट की ओर से चलने वाली बस है, हम भी उसमें बैठ चुके हैं। और अभी हम जाने वाले जहाँ पर हमारे ऑनलाइन टिकट बुक करवा रखा था उसके लिए स्पेशल एक कार्यालय बना हुआ है, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ उतरने के बाद अभी हम हमारा टिकट कंफर्म करवा के फिर हमें एक VIP कोटे से टिकट कंफर्म हुआ था, तो उसके लिए हमारे टिकट के साथ में हमें रूम भी अलॉट किया गया। तो उस रूम का रूम नंबर आगे क्या हुआ, बिल्डिंग बैक साइड स्पेशल लेटर ही है, ऑर्डिनरी लेटर। अच्छा, अपना स्पेशल टिकट है। वाह वाह भालू भाव, वाह मौज कर दी। बोर्ड का मेंबर वो लोग 10 सेकंड में बाहर भेजता। अच्छा इसमें अपना तो VIP टिकट है। एक मिनट मोबाइल ले जाने देता अंदर। अभी हम यहाँ बोर्ड सेल के बोर्ड के जो मेंबर हैं तिरुपति बालाजी मंदिर, उनके यहाँ पे टिकट के लिए आए हुए हैं। हमारा VIP पास था तो हमको जनरल से बाहर निकाल दिया और स्पेशल पास में टिकट वेरीफाई करने के लिए भेजा है। हमारे बालू भाभी अंदर गए हुए हैं थोड़ी देर में आते ही। बालू भाभी इधर बहुत ही अच्छी चलती है। आपको भी कभी काम हो तो हमारे से संपर्क करिएगा, हम बालू भाई से कॉन्टेक्ट करवाएगा। सो बार आ गए। वाह वाह बालू बाबा। अभी जो रूम नंबर मिला है वहाँ जाने के लिए बस आने वाली है, लोकल बस जो यहाँ ऊपर फ्री में यात्रा करवाती है। फ्री बस।
नारायण है त्रिपुत्री। ये है नारायणगिरी रेस्ट हाउस, जहाँ पर हमको यहाँ रुकने के लिए रूम अलॉट किया गया। तो अभी अंदर जाके हमें जो पास मिला हुआ है यहाँ इनको दिखाकर यहाँ से रूम की चाबी लेनी है। तो चलिए हम आपको ऊपर रूम में लेके चलते हैं। मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ, पर आने पर बहुत ही अच्छा लगा। तो रूम मैंने देखा नहीं, पर बाहर से तो बहुत ज़ोरदार लग रहा है। बालकनी से तो आपको पूरा कश्मीर का व्यू दिख रहा है और साफ़ सफाई में एक नंबर कंप्लीट व्यवस्था दिख रही है। तो ये है रूम 35, तो अंदर चलते हैं। 20x20 का रूम है, इसके अंदर 3 beds अवेलेबल है और ये वॉश बेसन विथ लेट बाथ अटैच, और पानी भी वैसे गर्म आता है। ऊपर सोलार के हीटर लगे हुए हैं जिससे पानी ठंडा गर्म जिससे ऐसे अवेलेबल है। और रूम के साथ द्वार निकलते ही आप देखिए बालकनी का व्यू। अब हम खाना खाने के लिए मेजर कार में बैठकर जा रहे हैं, जो मंदिर ट्रस्ट के तरफ से चलने वाला खाना है। तो चलिए हमारे साथ बने। ये देखिए इस तरह की गाड़ी है। तो हम भी जैसे ये सवारी उतर रहे, हम भी यहाँ के उतर गए। अब हमको यहाँ से पैदल ही अंदर का रास्ता तय करना है। भोजनशाला में प्रवेश करते ही राइट साइड में एक बहुत बड़ी पेंटिंग जो कृष्णा नदी को दर्शाती है और जिसका पानी भगवान श्री तिरुपति बालाजी के यहाँ पहुँचता है, उसके बारे में दर्शाया गया। आज के खाने में चावल, नारियल की चटनी और जिसे पत्तों से बनी पत्तल में परोसा गया है, साथ में छाछ भी है। यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों की संख्या 2000 है। मैंने प्रत्येक सीटिंग के हिसाब से इनको गिना तो 2000 लोगों को खाने की व्यवस्था, और इन्हें 20 मिनट में एक साथ बिठाकर भोजन से तृप्त करके वापस एक साथ में इनको फ्री किया जाता है। उसके बाद में ये बाहर वॉश बेसिन की व्यवस्था है जिसे पैर से दबाने से चलता है। उसके बाहर निकलने के बाद हमने थोड़ा दूध भी लिया और जो बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार था। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मुख्य मंदिर की ओर, जो पूरा सोने से बना हुआ है। और मंदिर की ओर चलते हुए ये रास्ते का आप नज़ारा देखिए, बहुत ही चौड़ी और विशाल सड़कें हैं। उसके बाद में ये दिख रहा है जो मंदिर का मुख्य द्वार है, और हम सलाह मशवरा कर रहे हैं बालुवासु साहब से। और ये मुख्य मंदिर का प्रांगण है, इसी के सामने पूजा स्थल है जहाँ से भगवान श्री तिरुपति बालाजी के पूजा अर्चना एवं अगरबत्ती दीपक जलाकर नारियल चढ़ाया जाता है, उसके बारे में आपको ऊपर जाके बताऊंगा। आज के पहले दिन की शाम होने को ही है और धीरे धीरे सूरज ढल गया और अंधेरा छाने लगा है, तो रात का नज़ारा अलग ही दिखने लगा है। तो हम पास ही होटल के ऊपर चढ़कर, क्योंकि अंदर से वीडियोग्राफी बंद है, तो हमने बाहर से, ये है मुख्य तिरुपति बालाजी का गोल्ड टेंपल, जो अंदर से और बाहर से पूरा गोल्ड का यानी सोने का बना हुआ है, और उसके आगे ये मुख्य प्रवेश द्वार बना हुआ है। और उससे बाहर निकलते ही सामने पूरा प्रांगण है जहाँ पर बाहर से आए हुए दर्शनार्थी विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं। ये है मुख्य मंदिर श्री तिरुपति बालाजी का, जो मुख्य गर्भगृह अंदर से और बाहर से पूरा सोने का बना हुआ है, और ये मुख्य द्वार है, और उसके सामने ये प्रांगण जहाँ पर बाहर से आए दर्शनार्थी आराम कर रहे हैं, कोई विचरण कर रहे हैं। ये लगभग रात का 8-8:30 बजे का दृश्य है। ये इस मंदिर का मुख्य पूजा स्थल है, यहीं से भगवान श्री बालाजी को नारियल, अगरबत्ती, धूप चढ़ाया जाता है। अंदर किसी प्रकार से नारियल ले जाना या अगरबत्ती धूप ले जाना मना है,
वो सभी आने वाले दर्शनार्थी यहीं पर भगवान से प्रार्थना करते हैं और यहीं पर पूजा अर्चना कर अपना उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। ये सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ, तो आप सभी भी भगवान श्री के चरणों में नमन कर विश्व का कल्याण हो ऐसी मनोकामना करें। ये हमारे बालू भैया है, इनका दुकान तिरुपति बालाजी में है और ये कद से छोटे पर नाम से बहुत बड़े भैया हैं हमारे और इतने कॉमेडी और खुश मिजाज के हैं कि इनके दिन भर ग्राहक की लाइन लगी रहती है। आप देखिए हाइट इनकी मात्र 3 फीट है पर कारना में बहुत बड़े बड़े हैं इनके। शाम की आरती के बाद हम अब पैदल ही निकल चुके हैं रूम को जाने के लिए, तो आप ये देखिए रात का नज़ारा, सुनसान सड़क है लेकिन साफ सफाई, स्वच्छता और सिक्योरिटी पूरी है, किसी भी तरह की कोई जान माल का खतरा नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने जीवन के सबसे सेफ जोन में आ गए हैं। तो देखिए कितना शानदार और मनोरम नज़ारा है। तो मित्रों वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं हूं परमेश्वर रगी और मेरा यूट्यूब चैनल है टुडे वीडियो व्लॉग में आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। और ये मेरे आज के वीडियो में तिरुपति बालाजी दर्शन का प्रथम पार्ट है और नेक्स्ट अगला पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा, तो उसमें कल मॉर्निंग से लेकर कल शाम तक का जो बाकी रह गया पूरा मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मेरे साथ बने रहें और अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें टुडे वीडियो व्लॉग। थैंक यू।